आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज के जो कंटेंट्स हैं वो पहला है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, CFAC दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस एंड एग्जांपल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस को हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अगर दो लिगेंड जेड एक्सिस से अगर रिमूव कर दें तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स जो है सो रिजल्ट हो बन जाता है। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लैनर कोऑर्डिनेशन कैन बी इमेजिन्ड इन रिजल्ट व्हेन टू लिगेंड्स ऑन द जेड एक्सिस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स लीविंग ओनली द लिगेंड्स इन द एक्स वाई प्लेन। तो इस तरह से जेड एक्सिस से दो लिगेंड को हम ऑक्टाहेड्रल से निकालते हैं जिससे कि सिर्फ वही जो लिगेंड रह जाते हैं जो एक्स वाई प्लेन में है। एज द जेड लिगेंड्स मूव अवे, जेड लिगेंड्स मूव अवे द लिगेंड्स इन द स्क्वायर प्लेनर मूव ए लिटिल क्लोजर टू द मेटल। तो जो लिगेंड्स स्क्वायर प्लेन में होते हैं वो मेटल्स के थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं। द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कैन दस बी डिराइव फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल डायग्राम। ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं कि भाई चार लिगेंड जो है सो एक्स वाई प्लेन में है, बाकी जेड एक्सिस से दो लिगेंड जो है सो अगर हम रिमूव करें तो हमारा एक्स वाई ये जो एक्स वाई प्लेन में लिगेंड जो है सो रह जाते हैं। तीसरा स्लाइड है जिसमें कि हम देखते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है, तो उसको हम देखते हैं। एज लिगेंड्स मूव अवे अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब क्या है कि जैसे ये जेड एक्सिस से जो है सो दूर हो जाते हैं डी ऑर्बिटल्स विद द एजेड, ए जेड कंपोनेंट विल फॉल इन एनर्जी। जैसे ही जेड एक्सिस से जो सो लिगेंड हम बाहर निकालते हैं तो डी ऑर्बिटल्स विथ ए जेड कंपोनेंट विल फॉल इन एनर्जी। तो जेड कंपोनेंट का जो डी ऑर्बिटल का जो जेड कंपोनेंट होता है उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल फॉल्स द मोस्ट एज इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर कंसेंट्रेटेड इन लॉब्स अलोंग द जेड एक्सिस। क्या होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है सो सबसे ज़्यादा एनर्जी में फॉल करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स कंसेंट्रेटेड इन लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन क्या होता है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो लोब होता है उसी में कंसेंट्रेटेड होता है, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत नीचे आ जाती है। द डी एक्सिस एंड डी आई ऑल्सो ड्रॉप इन एनर्जी बट नॉट एज मच। डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी कम होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि डी जेड स्क्वायर का होता है। कन्वर्सली द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स इंक्रीज इन एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई वाई का जो एनर्जी होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। द स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर स्क्वायर प्लेनर इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इज शोन बिलो विद द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ईच। तो ये हम देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग डायग्राम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसको रिलेटिव एनर्जीज प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए जो है सो हम इस डायग्राम से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल मेटल आयन देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ईजी T2G नीचे है और ईजी ऊपर है, -0.4 डेल्टा ओ इसकी एनर्जी है CFS की, +0.6 डेल्टा ओ इसकी।
अब इससे जो है सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है सो हमारा इंक्रीज हो जाता है और डी एक्स वाई जो है सो ये डी जेड स्क्वायर जो है सो डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह से ईजी का सेट का, इसी तरह से टी टू जी सेट का जो होता है डी एक्स वाई और डी एक्स जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई ये तो हो जाता है थोड़ा नज़दीक में, और डी एक्स जेड और डी वाई जेड इसका थोड़ा नीचे आ जाता है और डी एक्स वाई जो है सो थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो स्क्वायर प्लेनर का जो है सो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम जो एक्स वाई प्लेन का है वो इस तरह का होता है कि डी एक्स जेड और डी वाई जेड की जो एनर्जी है सबसे लोअर है, उसके बाद डी जेड स्क्वायर है, उसके बाद डी एक्स वाई है और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसका अगर हम वैल्यू देखें तो -0.51 डेल्टा ओ जो है सो डी एक्स जेड और डी वाई जेड के लिए आता है। इसी तरह से उससे ऊपर जो डी जेड स्क्वायर है उसका -0.45 डेल्टा ओ है एनर्जी सी एफ एस सी, और डी एक्स वाई है 0.25 डेल्टा ओ है ऑक्टाइडल के रिस्पेक्ट में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये 1.23 डेल्टा ओ से ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जो है जो इन दोनों का टोटल एनर्जी डिफरेंस है सी एफ एस सी का वैल्यू डेल्टा ओ का जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, हाई हो जाता है जो। अब इसमें हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखें स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन इज रेयर एक्सेप्ट फॉर डी एट मेटल आयंस। ये स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन जो है सो रेयर होता है एक्सेप्ट जो है सो डी एट मेटल आयंस का, डी एट मेटल आयंस में ही जो है सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। अमोंग द डी एट मेटल आयन एक्सिबिटिंग स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन आर निकेल टू पैलेडियम टू प्लेटिनम टू रोडियम फर्स्ट इरिडियम फर्स्ट कॉपर थर्ड सिल्वर थर्ड एंड गोल्ड थर्ड कॉपर टू एंड सिल्वर टू बोथ डी नाइन आयंस आर ओकेजनली फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन। तो ये जो डी एट मेटल आयंस है जिसमें कि स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन होता है तो इसमें ज़्यादातर एन निकल टू है, पैलेडियम टू है, प्लेटिनम टू है, रोडियम फर्स्ट है, इरिडियम फर्स्ट है, कॉपर थर्ड है, सिल्वर थर्ड है, सिल्वर गोल्ड थर्ड है, सिल्वर फर्स्ट है, सिल्वर फर्स्ट ए जी कॉपर टू है, गोल्ड थर्ड है, कॉपर टू एंड सिल्वर टू बोथ डी नाइन आयंस आर ओकेजनली फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे जो जिसमें कि डी एट और डी नाइन मेटल आयन है ये जो है सो स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन में पाए जाते हैं। ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ डी एट आयंस आर डायमैग्नेटिक। जितने भी डी एट आयंस के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वे डायमैग्नेटिक होते हैं बिकॉज द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटली डीस्टेबलाइज एंड पेयरिंग इन द डी एक्स वाई ऑर्बिटल इज मोर फेवरेबल देन प्लेसिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का जो होता है ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज हो जाता है और पेयरिंग इन द डी एक्स वाई ऑर्बिटल इज मोर फेवरेबल देन प्लेसिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है इसका जो है। डेल्टा वो तो इसके कारण क्या होता है कि ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो द सी एफ एस सी फॉर ए डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर डी एट मेटल कॉम्प्लेक्स इज रेडली कैलकुलेटेड फॉर द बाय द यूजुअल मेथड। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन? तो सी एफ एस सी का कैलकुलेशन हम करते हैं डी एट मेटल आयन के लिए
जनरल सी एफ एस ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो है सो अगर डी एट है तो दो दो चार दो छः दो आठ हो गया यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी एक्स इसके लिए जो है सो हमारे पास माइनस 0.51 डेल्टा वो है, तो फोर इंटू इतना प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ कर दो माइनस 0.43 डेल्टा वो प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए है 0.23 डेल्टा वो, और ऊपर नहीं जाके नीचे ही पेयर हो जाता है इसलिए प्लस पी हम डालेंगे इसमें, तो इसलिए पी डालने के बाद जो है ये वैल्यू हो जाता है टोटल अगर जोड़ेंगे तो माइनस 2.44 डेल्टा ओ प्लस पी है। तो इसमें क्या होता है, द पेयरिंग एनर्जी करेक्शन इज इंक्लूडेड बिकॉज ए फ्री डी एट आयन हैज़ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट ए स्क्वायर प्लेनर डी एट कॉम्प्लेक्स हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो है सो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्री डी एट मेटल हैं बट ए स्क्वायर प्लेनर डी एट कॉम्प्लेक्स हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हमको पी जो है सो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डी एट मेटल आयन के लिए जो है किस तरह से सी एफ एस सी कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से जो आज जो जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है वो, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे और उसके बाद जो है सो हम क्रिस्टलफील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर किस किस फैक्टर्स का इफेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो इसमें ठीक है।